हिसाब से टाइटल है सूरज पर मंगल भारी, तो मनोज वाजपेयी और दिलजीत दोसांझ दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे पर काफ़ी भारी था। पूरी फिल्म सिर्फ यही दो कंधों पर चलकर आई है, और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो जिस टाइप का इस वक्त माहौल चल रहा है ऐसी फिल्म की शायद जनता को ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख के मत जाइए कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स जस्ट अ बेसिक कॉमेडी, नॉट इवन अ गुड स्लैपस्टिक कॉमेडी, बट जस्ट आपको सिर्फ स्माइल रहेगी फेस पे। और दिलजीत क्योंकि इन जनरल भी काफ़ी अच्छे हैं और इस फिल्म में वो उनकी नेचुरल पर्सनैलिटी दिख कर आ रही है ना, क्यूट लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी जो आपको दिखेगी फिल्म में वो दिलजीत की वजह से ही दिखेगी। फातिमा जहाँ पर अकेले स्क्रीन पर नज़र आ रही थी उनकी बिल्कुल प्रेजेंस फील नहीं हुई मुझे कहीं पर भी, लेकिन जब वो दिलजीत के साथ नज़र आ रही थी तब वो मुझे देखने लायक थोड़ा बहुत लगा। अगर सिर्फ फातिमा की बात करूँ तो मैं उनकी परफॉर्मेंस को 2 या 2.5 मैक्सिमम देना चाहूँगी, लेकिन जब वो दिलजीत के साथ फ्रेम में नज़र आ रही थी तो दिलजीत ने उनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हांस किया है और वो देखने लायक बनाया है। वेल, मनोज वाजपेयी बेटर महाराष्ट्रियन विदाउट एनी डाउट, बिकॉज एक सेकंड के लिए भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अरे ये महाराष्ट्रियन नहीं लग रहा है। पूरी फिल्म मतलब आमची मुंबई के दिल में बस जाएगी ये फिल्म। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर आपको एक वो महाराष्ट्रियन फील आएगा, जो लोग मुंबई से हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, बट ओवरऑल फिल्म का फ्लेवर, फिल्म का कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छा है और थ्रू आउट आपको एक पॉजिटिव फील आता रहेगा। बस म्यूजिक ऑफ द फिल्म एक दो जगह पे ठीक है, अदरवाइज गाने बहुत आउटस्टैंडिंग या आउट ऑफ द वर्ल्ड दिक्कत नहीं आ रहे हैं या सुनाई नहीं दे रहे। बस एक ही गाना है वो बसंती या आज कुत्तों के सामने मत नाच, बस वही नोटिस में आया है। उसके अलावा बाकी गाने क्योंकि फिल्म है तो गाने होंगे, वो वैसा वाला बस है। 5 में से मैं 3 देती, बट क्योंकि मनोज वाजपेयी और दलजीत ने पूरी फिल्म को बहुत अच्छे से कैरी किया है, सो आई विल गिव 3.5 स्टार्स। बहुत ही माइंड ब्लोइंग मूवी थी, और आफ्टर लॉकडाउन ऑडियंस को जिस तरह की मूवी का वेट था मूवी उस तरह की है। मानते हैं सही शुरुआत हुई है पहली फिल्म जो थिएटर में रिलीज हुई। जी हाँ, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, साथ में सैनिटाइज़र वगैरह और सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, कॉमेडी भरपूर है पूरी मूवी में। आप कुछ ही टाइम के लिए आप हंसोगे नहीं तो टोटल फुल मूवी में आप हंस ही रहे। अच्छा, फिल्म साथ में एक मैसेज भी कैरी करती है कि लड़कियों को और लोगों की आज़ादी मिलनी चाहिए, उस बारे में क्या कहना चाहिए? जी हाँ, डेफिनेटली आज के इस टाइम में तो हम पहले से वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इस मूवी में भी उस टाइप का कुछ मैसेज दिया हुआ है। मैं 3 स्टार दूंगा। मूवी में मेरे सबसे अच्छा मनोज वाजपेयी का किरदार लगा, उन्होंने डिफरेंट किरदारों में उसको बहुत बखूबी निभाया है। एंड जो दिलजीत दोसांझ थे उन्होंने जो किरदार निभाया उसमें, लाइक वेरी फनी कैरेक्टर, लाइक सबका बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी। So yeah, I really love the movie. I especially recommend it. Just watch this movie and you know, entertain yourself. Lockdown ke baad yaar pehli baar theaters khule, so obviously come to the theaters and just enjoy it. एक्चुअली बहुत अच्छी थी मूवी, सो मैं 5 में से उस मूवी के लिए पूरे 3 स्टार दूंगी। मुझे फिल्म अच्छी लगी, मतलब एंटरटेनिंग है, हंसी आ रही थी, जरूरी मतलब कुछ सीखने को ऐसा सच मिला नहीं, लेकिन लॉकडाउन के बाद इतने लंबे समय के बाद थिएटर में एक जो एक्सपीरियंस था वो हमने फिर से जिया है, तो इस वजह से फिल्म और अच्छी लग रही थी। मुझे अगर मैं बात करूँ दोनों की केमिस्ट्री की तो मुझे ठीक ठाक लगी, मुझे नहीं लगता कि आगे हम इनको देखना चाहेंगे साथ में, बिल्कुल नहीं। दलजीत बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना वो परफेक्ट है अपने कैरेक्टर में, लेकिन वो मुझे फातिमा ऑफ लगी, एक्सप्रेशन वाइज और केमिस्ट्री वाइज तो थोड़ी सी ऑफ लग रही थी वो मुझे, लेकिन ठीक है, अब थी फिल्म ने तो 5 में से मैं 3.5 दूंगी, लेकिन 5 एक्स्ट्रा इसलिए दूंगी पॉइंट क्योंकि थिएटर में आने का मौका मिला देखने का। तो फिल्म काफ़ी अच्छी थी, लाइक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। मनोज वाजपेयी तो हमारे सबके फेवरेट एक्टर है, सना फातिमा शेख को हम लोग ने एक नई इसमें देखा, नई अवतार में देखा। शी इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन दंगल, लाइक एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की कैसी होती है, वेरी डेलिकेट एंड सब कुछ, लाइक फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी प्यारी लगी। एंड कॉमेडी के बारे में बात किया जाए, लाइक फुल आउट एंटरटेनिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इसमें कॉमेडी कहीं फोर्स फिट नहीं लग रहा है, लाइक ज़बरदस्ती इसमें डाला नहीं गया है, लेकिन हर एक छोटे छोटे सीन्स भी लाइक उसमें इतना मज़ा आएगा ना, आपको लगेगा वाओ क्या कैसे लिखा है, लाइक हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम। दिलजीत के बारे में बोला जाए तो काफ़ी नेचुरल लगता है उनका एक्टिंग,
एंड ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. लाइक वो एक इनोसेंस उनके आँखों में रहता है, जो इनोसेंस पार्क रहता है वो काफ़ी एक यंगस्टर्स का भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. सो वेरी वेल डन, द एंटायर टीम हैज टेकन एफर्ट्स एंड डन वेरी वेल. 5/5. सूरज का मतलब कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी है, और केमिस्ट्री भी जो फातिमा की, जो ऐसा फातिमा की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है. कॉमेडी बहुत अच्छी थी, पंचेस भी अच्छे थे, बहुत अच्छा काम था. म्यूजिक क्या है? म्यूजिक सबसे ज़्यादा मुझे जो गाना पसंद है बसंती, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है. उसकी जो म्यूजिक है, जो वर्ड्स है, जो बोल है, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे. 3.